व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है संजय और आज मैं एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका काफ़ी हाइप बना हुआ है और वो है द डार्क। इसका सीजन 3 अभी 27 जून को रिलीज़ होने वाला है और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है। इसके अभी तक 2 सीज़न आ चुके हैं। सीज़न 1 में करीबन 10 एपिसोड्स हैं और सीज़न 2 में 8 एपिसोड हैं। हर एक एपिसोड की लेंथ करीबन 50 से 60 मिनट्स हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको देखने में। तो इसका बेसिक प्लॉट ये है कि ये एक स्टोरी सिचुएटेड है जर्मनी में। जर्मनी में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है विंडन। विंडन में ये स्टोरी 4 फैमिलीज के घिर फिर घूमती है और ये चारों फैमिलीज के कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप बात करें कैरेक्टर्स की द डार्क में, तो इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इसको काफ़ी क्रिएटिव तरीके से बुना गया है स्टोरी को, तो आपको कहीं भी बोरिंग फील नहीं होता है। विंडन शहर में एक छोटा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जो कि बंद हो चुका होता है रेडिएशन फैलने के कारण, लेकिन उसमें गुफा होती है जिससे या तो आप 23 साल पीछे जा सकते हो या तो 23 साल आगे जा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ट्रेवलिंग इन्वॉल्व है। मैं जानता हूँ आप एक दूसरी वेब सीरीज के बारे में सोच रहे होंगे जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स, लेकिन डार्क स्ट्रेंजर थिंग्स से बहुत ज़्यादा अलग है। स्ट्रेंजर थिंग्स थोड़ी सी बच्चों की फ्रेंडली रहने के हिसाब से बनाई गई है, लेकिन द डार्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका नाम ही है द डार्क। तो इसमें काफ़ी सारे अलग अलग सीक्रेट्स एक्सपोज होते हैं लोगों के जब वो 23 साल आगे और फिर 23 साल पीछे जाते हैं। तो होता कुछ स्टार्टिंग में ऐसा है कि विंडेन शहर में छोटे बच्चे गायब होने लग जाते हैं। आप समझ गए होंगे वो कहाँ जा रहे हैं, वो टनल से पास्ट और फ्यूचर में जाने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा होते ही शहर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सीक्रेट्स पता चलते हैं लोगों के। इसमें ये भी दिखाया गया है कि लोग समय के साथ कैसे चेंज हो जाते हैं, और इसमें कई कैरेक्टर्स को अनसर्टेन भी दिखाया गया है। इसमें रोमांटिक भी है, कुछ इसमें रोमांटिक सीन्स भी हैं, तो उसका आप ध्यान दें। और साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शंस हैं स्टोरी में। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर आप इसे समझना चाहते हैं अच्छे से कि इस पूरी वेब सीरीज में हो क्या रहा है, तो आप एक पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि इसमें हर करीबन 18 से 19 कैरेक्टर्स हैं और उन 18 से 19 कैरेक्टर्स की सीधे सीधे 23 ईयर्स बिफोर और 23 ईयर्स आफ्टर की स्टोरी लिंक करनी होगी, तब जाके आप इस वेब सीरीज को समझ पाएंगे। वेब सीरीज को मैं काफ़ी अच्छी रेटिंग देना चाहूँगा, करीबन 10 में से 8 स्टार्स ये डिजर्व करती है। इसकी सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है इस वेब सीरीज को। तो ये आप वेब सीरीज देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है, आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी। तो यार 5 एपिसोड तक तो इसकी स्टोरी आपको बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली है, ना तो फिर उसमें टाइम ट्रेवलिंग दिखेगी और ना इसमें आपको कोई भूत दिखेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भूत है नहीं, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं बस वही एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं अलग अलग टाइम से आके। तो 5 एपिसोड तक तो इसमें कोई टाइम ट्रेवलिंग नहीं है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि 5 एपिसोड तक इसकी स्टोरी बिल्डअप होती है। आपको पूरी चीज़ें पता चलती हैं कि वो जो 4 फैमिलीज हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है, और उसी के बाद जाके एक्चुअल कॉम्प्लेक्शन स्टार्ट होता है। 5 एपिसोड के बाद इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ट्रेवलिंग है और फिर स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया सीज़न 1 में 10 एपिसोड्स हैं, तो 5 एपिसोड के बाद जो बचे 5 एपिसोड्स हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दे के देखना पड़ेगा। तो ये थी कुछ डार्क की स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन, आई होप यू रियली लाइक डेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने ओपिनियन जरूर दें कि आपको डार्क सीरीज कैसी लगी, उनको आप कमेंट नीचे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन, स्टे ट्यून्ड और हम और वीडियो जरूर डालने वाले हैं।